dear kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning English grammar and it is by Brain Root series. Here is a book and the name is Grammar, Glitter, Odyssey and this is book 1. So today we are going to start chapter number 16 and the name of the chapter is These Are and Those Are. So let's read this chapter. We use these are to show things, people that are near to us, हमारे पास हैं, and we use those are to show things or people, those are far from us. तो अभी हमने पढ़ा था ना एक chapter जिसमें हमने पढ़ा था this is and that is, पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, this जो है near objects के लिए था और दैट था फार ऑब्जेक्ट्स के लिए और दोनों का मतलब था ओनली वन. क्लियर? बट यहां पे हम पढ़ रहे हैं दीज आर और दोज आर. दीज आर हम दिस की तरह यूज करते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए और दोज आर को हम यूज करते हैं फार ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमसे दूर है. जैसे हम दैट यूज करते थे, दोनों ही These और those हम plural के लिए use करते, means two या उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए use करते हैं. So let's do this exercise first. This is Sanya's room. ये सान्या का room है, आप देख सकते हो सान्या के room को. Write these are, those are in the blanks. तो blanks में हमें these are और those are लिखना है. तो आप देख सकते हो सान्या जो है बेड पे बैठी है, ये सारे आइटम उसके बहुत ही पास हैं, ये चीजें बहुत ही दूर हैं. तो चलिए देखते हैं क्या फिल करना है हमें. डैश सानियास बुक्स. बुक्स कहाँ हैं, यहाँ पे हैं. तो हम लिखेंगे दीज आर सानियास बुक. ये सानिया की बुक हैं जो उसके पास रखी हैं. डैश सानियास शूज. शूज कितनी दूर हैं, सो वी विल राइट हियर दोज आर. जो दूर हैं उसके लिए लिखेंगे दोज आर. नेक्स्ट डैश सान्यास टॉय. टॉय कहाँ है, ये तो रहे सान्या के एकदम पास, सो वी विल राइट दीज. दीज आर सान्यास टॉय. नेक्स्ट फोर्थ वन डैश सान्यास पेंटिंग. सान्या की पेंटिंग देखो कितनी दूर है, बहुत दूर है, सो वी विल राइट दोज. दोज आर सान्यास पेंटिंग्स. नाउ फिफ्थ वन डैश सान्यास क्लोथ्स. अब कहाँ हैं सान्या के क्लोथ्स, ये तो यहीं रखे हैं बेड पे, सो हम लिखेंगे दीज आर सान्यास क्लोथ्स. तो जो पास की चीज है उसके लिए दीज, जो दूर की चीज है बहुत सारी उनके लिए लिखेंगे दोज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज. फिर इन द ब्लैंक्स विथ दीज और दोज. दीज या फिर दोज से हमें फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज डैश आर आउल्स सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट ट्री. तो आप देखो आउल्स कहाँ है, पास है दूर है, दूर. तो हम क्या बोलेंगे, दोज. दोज आर आउल्स, जो दूर है उसके लिए दोज. डैश शर्ट्स आर टू लार्ज फॉर मी. शर्ट कहाँ है, यहाँ इतनी दूर, सो वी विल राइट हियर दोज अगेन. थर्ड वन डैश डॉग्स आर सो सॉफ्ट टू टच. इन डॉग्स को टच करो तो बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं. दूर है पास है, पास, सो वी विल राइट दीज. फोर्थ वन कम एंड टेस्ट डैश चॉकलेट पैनकेक्स. तो अब देखो पैनकेक्स कहाँ है, दूर है या पास है, दूर, सो वी विल राइट हियर दोज. Come and taste those chocolate pancakes. Is it clear, children?
सो चिल्ड्रन, जैसे हम दिस या दैट के साथ इज लगाते हैं, वैसे ही आर इज यूज्ड विथ दीज एंड दोज. दीज और दोज के साथ आर लगाया जाता है. नाउ रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली. इन सम सेंटेंसेस दीज दोज एंड दिस हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली. कुछ सेंटेंसेस में ये जो वर्ड्स हैं इन्हें गलत लिखा गया है, तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को करेक्ट करना है. री राइट द पैराग्राफ इन योर नोटबुक आफ्टर करेक्टिंग द एरर. तो आपको अपने नोटबुक में इस पैराग्राफ को सही करके लिखना है. सो चलिए देखते हैं. माई नेम इज दिव्या. आई लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स. मेरा नाम दिव्या है और मुझे अच्छी चीज़ें, ब्यूटिफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं. डू यू सी दोस पिक्चर बुक इन माई हैंड. मेरे हाथ में जो बुक रखी है पिक्चर, वो तो क्या वहाँ पे दोज आएगा या दीज आएगा? सो इट विल बी दीज पिक्चर बुक्स इन माई हैंड. डैश वर आ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर. सो दीज वर आ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर ऑन माई बर्थडे. टुडे इज माई फ्रेंड वीशूज बर्थडे. आज मेरे फ्रेंड वीशू का बर्थडे है. सो आई हैव मेड अ कार्ड फॉर हिम. तो मैंने उसके लिए कार्ड बनाया है. दिस कार्ड ऑन द टेबल ओवर देयर इज फॉर मी. अब टेबल कहाँ है? बहुत दूर. ओवर देयर वहाँ रखा है. सो दिस का हो जाएगा दैट. सो दैट कार्ड ऑन द टेबल, वो जो टेबल है ना वहाँ पे कार्ड रखा है, वो मेरे फ्रेंड के लिए मैंने बनाया है. And these flowers near the card are fresh. और कार्ड क्योंकि मुझसे बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या हम these लिखेंगे? No, हम लिखेंगे those. So those flowers near the card are fresh roses from the my garden. Those are also for Vishu. So ये जो रोजेज हैं ये भी मेरे फ्रेंड वीशु के लिए हैं, क्योंकि उसे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो दीज आर ऑल्सो फॉर माई फ्रेंड वीशु. बट दीज टॉयज बिलोंग टू मी. बट दोज टॉयज बिलोंग टू मी. सो लाइक दिस यू हैव टू डू द करेक्शन. सो किड्स, लेट्स read this passage about a beach. So the chapter is at the beach. So we have to read this passage carefully. You can see the picture also. It is a lovely morning. The children are at the beach. Morning bahut achhi hai, bacche beach pe hain. They are playing. Wo bacche khel rahe hain. Vivek and Utkarsh are in water. To Vivek aur Utkarsh kahan hain? Water mein. They are jumping over the waves. पानी के ऊपर जो वेव्स हैं उसके ऊपर ये बच्चे जंप कर रहे हैं. दीपाली इज मेकिंग अ सैंड कैसल. सो ये दीपाली है जो क्या बना रही है? सैंड कैसल. आप देख सकते हो ना. ब्रूनो वांट्स टू हेल्प हर. और ब्रूनो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बकेट में सैंड लेके खड़ा है. ही हैज बॉट हर अ फुल बकेट ऑफ सैंड. थैंक यू ब्रूनो, सेज दीपाली. दीपाली ने कहा ब्रूनो को ये करता हुआ देख के थैंक यू. आशीष एंड प्रिंसी आर प्लेइंग विद द बॉल. आशीष और प्रिंसी दोनों बॉल के साथ खेल रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन. जितने भी बच्चे हैं सारे इंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन्हें खेलने में. Soon all the friends will go to Utkarsh house. So सारे बच्चे जल्दी ही उत्कर्ष के घर जाने वाले हैं. उत्कर्ष mother is preparing lunch for all of them. तो उत्कर्ष की मम्मी क्या कर रही है? उन सब बच्चों के लिए, जितने बच्चे यहाँ पे, इन सब के लिए लंच बना रही है. So now children, let's answer the questions on the basis of the paragraph. First one is, where are the children? The children are at the beach. Now, second one is, who are in water? Water में कौन कौन है? Vivek and Utkarsh. Who is building a sand castle? Sand castle कौन बना रहा है?
दीपाली. हुज हाउस ऑल द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू. सब बच्चे किसके घर जा रहे हैं. सो दे आर गोइंग टू उत्कर्ष हाउस. उत्कर्ष हाउस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द थिंग्स यू दैट यू वॉन्ट टू डू ऑन अ बीच. आप बीच पे जाना चाहते हो और जाओगे तो वहाँ क्या क्या चीज़ें करोगे. सो दिस यू हैव टू राइट योर सेल्फ. दिस इज योर होमवर्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश आर एट द बीच. द चिल्ड्रन आर एट द बीच. दीपाली इज मेकिंग अ सैंड कैसल. ब्रूनो वॉन्ट्स टू हेल्प हर. ब्रूनो उसकी हेल्प करना चाहता है. एंड उत्कर्ष मदर इज प्रिपेयरिंग लंच फॉर ऑल ऑफ देम. तो उत्कर्ष की मम्मी सबके लिए लंच बना रही हैं. सो दीज वर द एक्सरसाइज चिल्ड्रन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. आई विल बी वेटिंग फॉर यू विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.